वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। लोग बोल रहे हैं अभी तूने दो एपिसोड बना दिए बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के, अभी तू तीसरा भी बनाने जा रहा है। गाइस, दिस इज लिटरली बोल रहा हूँ ना, बॉक्स ऑफिस की धज्जियाँ उड़ा दी इस फिल्म ने। किसी ने नहीं सोचा था कि कबीर सिंह पहले दिन पे ऐसा खेल खेल जाएगी। कल रात को मैंने आपको क्या बोला था, याद रखना 15 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन आएगा, वीडियो भी यही रहेगा। वो 15 करोड़ शाम को 6 बजे हो गया। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट, 15 करोड़ शाम को 6 बजे कबीर सिंह का हो चुका है कलेक्शन। एंड कहीं ना कहीं कल ये फिल्म एक धमाका करने जा रही है। मैं तुम्हें ऑक्यूपेंसी बताने वाला हूँ एंड उन शहरों की ऑक्यूपेंसी जो इंटीरियर्स है उनकी ऑक्यूपेंसी जब मैं बताऊंगा, यू विल बी लाइक डूड, ये फिल्म लिटरली बोल रहा हूँ फाड़ के निकलेगी। अब गाइस बात करें आज की ऑक्यूपेंसी की, द गाइस आई टेल यू सम सिटीज और ऑक्यूपेंसी इज क्रैकिंग। सबसे पहले भुवनेश्वर की बात करते हैं, 92% ऑक्यूपेंसी। यस फ्रेंड, 92% ऑक्यूपेंसी भुवनेश्वर में। आपको सब जो ज्यादा ऑक्यूपेंसी वाले शहर है वो सब पहले बता देता हूँ। रायपुर 93% ऑक्यूपेंसी, रांची 92% ऑक्यूपेंसी एंड गाइस लखनऊ 87% ऑक्यूपेंसी। बात करें टॉप सिटीज, हैदराबाद 90% की ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर 77। लुक एट दीज सेंटर्स गाइज, दीज आर मेन सेंटर्स जहां पर फिल्म का जो मेन कलेक्शन है वो आता है एंड दीज सिटीज आर सोल्ड आउट। मुंबई में भी वो थिएटर्स जो कभी फुल नहीं होते वो आज फुल है, फ्राइडे को फुल है। लिटरली फ्राइडे लोग ना हवा मक्खी मारते बैठ के, वॉचमैन लोग बैठ के, दैट थिएटर इज हाउस फुल। लिटरली स्पीकिंग, कबीर सिंह हैज जस्ट ब्लास्टेड द बॉक्स ऑफिस। बात करें हमारे मेन सेंटर्स की जो हम हर रात को डिस्कस करते हैं, दिल्ली NCR 77% ऑक्यूपेंसी, मुंबई 63। जितने भी मेरे दे दे प्यार दे, भारत, केसरी एपिसोड फॉलो किए उन्होंने ऑक्यूपेंसी के एपिसोड, उनको पता है अगर मुंबई 63 हो तो क्या होता है, वही होने वाला है कल। पुणे 72, कोलकाता 57, अहमदाबाद 68 एंड चेन्नई एट 53 गाइस। अब बात करें पुणे के सुबह के शोज, क्रैकर ओपन हुए, धमाका फाड़ दिया। मेरा खुद का सुबह का जो मैं शो गया था 9 बजे का देखने के लिए, एक जगह टिकट नहीं मिली, दूसरी जगह टिकट लिया मैंने जाके। मॉर्निंग शो 50-55% ऑक्यूपेंसी सवेरे के शोज, आफ्टरनून शोज 65-72, 65-72, इवनिंग मार रहे पिक्चर, लिटरली बोल रहा हूँ 70-75 रात के शोज 85-90% के चल रहे कबीर सिंह की गाइस। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कबीर सिंह ने हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके पार चली गई। लग रहा था ये फिल्म 2500 स्क्रीन तक निकलेगी, लेकिन गाइस कबीर सिंह का जो ऑफिशियल स्क्रीन काउंट है वो है 3123। क्या मैं बोलूं गाइस, 3123। बड़े हीरोज को भी नहीं मिल रहा आजकल इतने स्क्रीन्स, कबीर सिंह हैज टेकन इट। एंड गाइस ओवरसीज थोड़े कम है, 493, इसी का टोटल स्क्रीन्स कबीर सिंह के पूरे विश्व भर में 3616। और इसी के साथ होल्ड योर ब्रेथ्स, कबीर सिंह का पहला दिन का प्रेडिक्शन, द फाइनल प्रेडिक्शन कल सुबह प्रोड्यूसर कलेक्शन भेजेगा तब बात करेंगे, इज 19-20 करोड़ रुपीज। यस मेरा भाई, 19-20 करोड़ कल कबीर सिंह कमाने वाली है अपने पहले दिन पे। अगर उसके ऊपर आया तो भाई ये लड़के की जो किस्मत थी, जो इतने साल तक जो उसका टैलेंट था जिसको वो डिजर्व करता था, राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म इश्क विश्क, वो स्कूल में हुआ करते थे इश्क विश्क। उसकी एक और पिक्चर है ये दिल मांगे मोर, पिक्चर फ्लॉप हुई थी, लेकिन क्या गाना था उसमें, गुस्ताख दिल तेरे लिए, वो फिल्म। उसके बाद गए इस कमीने हैदर, इतना पद्मावत, दिस गाय हैज गिवन क्लासिक परफॉर्मेंसेस। विवा की अलग ही स्टोरी है। विवा बैंगलोर में कम से कम 26-27 हफ्ता हाउसफुल थी पिक्चर, पब्लिक फैमिली क्राउड पागल थी उस पिक्चर की, इतनी बड़ी हिट थी। जब वी मेट, क्लासिक ब्लॉकबस्टर पिक्चर, और आज इस फिल्म से उसे वापस से वो सोलो ब्लॉकबस्टर मिलेगी। सो गाइस कल 19-20 करोड़ के बीच में कलेक्शन आएगा, कम आएगा तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर ऊपर आया तो पार्टी है भाई, लिटरली बहुत मजा आएगा। ओके गाइस, सो आई होप एपिसोड आपको पसंद आया। अगर कबीर सिंह नहीं देखी है और प्लान कर रहे हो अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, जाओ उठ के देख कर आओ, जबरदस्त सीन है, एक से एक सीन है फिल्म में। ओके गाइस, मैं आनंद साहनी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।